हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। तो डेंगू होने के बाद ये मेरा पहला मेकअप वीडियो है, और मैं बताऊं तो इस चैनल पे इस महीने ये मेरी पहली या फिर दूसरी मेकअप वीडियो है। बहुत टाइम के बाद मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ पिंक एंड ब्लू साड़ी के साथ, और साड़ी इतनी प्रिटी है। इंस्टाग्राम पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया प्राइमर जो कि NY का है, उसके बाद NY का स्ट्रोक क्रीम मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। मुझे आजकल ये वाली क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, पिंक पिंक सी एक लेयर क्रिएट करती है और बहुत अच्छा सा मतलब एक ग्लो चेहरे पर आ जाता है। तो कैसे आप घर में अपने पार्लर से भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं, वो वीडियो मैं आज आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है फाउंडेशन स्टिक जो कि है सुगर का। मैं प्रोडक्ट के नाम बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। और भी आपके कोई सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे लिया, और उसी के पीछे हिस्से में ब्रश होता है, उसी ब्रश की हेल्प से मैंने इस पूरे स्टिक के फाउंडेशन वाले जो ये फाउंड स्टिक वाला ये जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड किया। उससे ब्लेंडिंग हो नहीं पा रही थी तो मैंने अपना ये वाला फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश लिया और उससे ब्लेंड किया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ करिए तो उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे चेहरे पे वीकनेस बहुत ज़्यादा दिख रही थी तो मुझे सेकेंड लेयर क्रिएट करनी पड़ी एक फाउंडेशन की, जो कि मैंने गुड वाइब्स का फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। और मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा मेरा फेस वीक दिख रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं वीडियो में अच्छी लगूंगी भी कि नहीं, बट मेकअप होने के बाद में मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, आप लोग देखिएगा। फिर उसके बाद मैंने आज थोड़ी सी कॉन्टोर करी है क्योंकि मेरा फेस एकदम बड़ा सा स्वेलिंग है मेरे बॉडी में, तो थोड़ा सा वैसे लग रहा था। तो अगर इस तरीके से हो तो आप कॉन्टोर ज़रूर करें, और कॉन्टोर करना तो ज़रूरी होता ही है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे को मेरा फेस के आंखों के नीचे आपको डार्क सर्कल दिख रहा होगा, बट वो हो ही गया है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने आईब्रो को फील किया। अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आईब्रो बहुत आईब्रो और लिप्स जो दो चीज़ें होती हैं ना, वो आपके फेस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो इनमें आप कंजूसी ना करें, अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा टाइम की कंजूसी ना करें, टाइम दे दे के देखिए यहाँ पे मैंने अपने आईब्रो को फील कर लिया हुआ है। और मैं अभी एक चीज़ भूल गई थी, वो है पाउडर। तो यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर लिया है मम्माअर्थ का, और उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे तरीके से अपने फेस पे इसको टैप टैप करके अप्लाई करूँगी और थोड़ा सा प्रेस करूँगी ताकि स्वेटिंग या फिर गर्मी से ये बिल्कुल भी निकले। एक ब्रश की हेल्प से मैं पहले अपने आँखों के ऊपर भी अप्लाई करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे आई मेकअप करने वाली हूँ, और मेरी साड़ी में पिंक एंड ब्लू कलर है। तो मैंने ये बहुत ही पुराना सा अपना पैलेट खोला। यहाँ पे देखिए रम्या के पापा भी आ गए हैं, तो आके वो लेट गए हैं, और लेटने के बाद कुछ बातें हम और वो दोनों लोग करने लगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले पिंक कलर लिया है और पिंक कलर को अपने आईज़ के आईलिड के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, और मैंने दोनों आँखों में लगा लिया ताकि मुझे समझ में आए। और ये उतना पिगमेंटेड मुझे आज लग नहीं रहा था, बट मुझे बहुत टाइम के लिए मेकअप चाहिए भी नहीं था, मुश्किल से मुझे 1-1.5 घंटे के लिए मेकअप जो है वो चाहिए था। तो फिर मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लगा लिया है, और यहाँ पे देखिए मेरी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और अब बारी आती है लाइनर अप्लाई करने की। तो यहाँ पे मैंने NY का ये लाइनर लिया है, और लाइनर को हम धीरे धीरे बहुत ही प्यार से बहुत आराम से अप्लाई करेंगे, वरना वो इधर से उधर लगने का उसका चांस रहता है। तो इस बात का ध्यान दें कि एक ही झटके में आप सोचेंगे कि लाइनर अप्लाई हो जाएगा ना, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़े, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, मेहनत क्या। और यहाँ पे ना मेरी जैसे मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, शुरुआत में ही लाइनर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, तो फिर मुझे लगा कि देखो एक आँख का तो पतला हो गया और एक आँख का मोटा हो गया। ऐसा होता ही है जब हम चाहते हैं ना कि हमारा मेकअप बहुत सुंदर हो, तो कुछ ना कुछ लाइनर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया, और उसके बाद में अब बारी आती है ब्लश अप्लाई करने की। तो मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये ब्लश लिया हुआ है, और उसी को मैं अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी। सेम उसी पैलेट से मैं लूँगी हाइलाइटर, और हाइलाइटर भी अप्लाई करूँगी अपने फेस के ऊपर। यहाँ पे देखिए ब्लश बड़ा ही प्यारा सा बहुत जल्दी से मैंने अप्लाई कर लिया। वीडियो थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया है। अभी मैं यहाँ पे हाइलाइटर ब्रश से अप्लाई कर रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने फिंगर से अप्लाई किया तो मुझे अच्छा लगने लगा अचानक से। तो फिर मैंने अपने फिंगर से ही हाइलाइटर जो है वो अप्लाई किया, और देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाइलाइटर लगाने के बाद पूरा ना लुक ही मतलब एकदम चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैंने नोज़ पे, अपर लिप्स पे, चिन पे मैंने हाइलाइटर जो है वो अप्लाई कर लिया। और अब बारी आती है लिपस्टिक लगाने की। तो मैं लॉरियल की
लिपस्टिक ये वाली अप्लाई करूँगी जो पिंक कलर है, और मेरी साड़ी में भी पिंक कलर था तो मुझे ये लिपस्टिक मिल गई, तो मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, सोने पे सुहागा हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे तरीके से लिपस्टिक जो है वो अप्लाई करी, और ये लिपस्टिक का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और फिर उसके बाद मैंने ज्वेलरी डाली, बैंगल्स डाले, वो शॉर्ट्स वीडियो में देखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मेरे हाथ में थोड़ा सा कट भी लग गया, बट मेरा मेकअप कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, बाय।